सो है एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। ऐसा करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और बेबी मस्त हो। और आज ना फिर से मैं जा रही हूँ पीएफ ऑफिस, क्योंकि पिछली बार ना मेरा कुछ काम ही नहीं हुआ था, तो फिर से आज मुझे जाना पड़ रहा है। तो अभी दार्जिलिंग में इतना ज़्यादा जाम है, तो मुझे फटाफट से अभी जाना होगा। मैं तो फुल रेडी हो गई हूँ, अभी बस गाड़ी का वेट करना है। तो बाद में मिलते हैं। तो गाइस ना अभी मैं जा रही हूँ पीएफ ऑफिस, और पहले देखते हैं उधर आज काम होता है कि नहीं होता है। पिछली बार जब मैं आई थी ना उधर काम ही नहीं हुआ था, तो आज देखते हैं आज काम होता है कि नहीं होता है। और देखिए अभी स्टेशन पे हूँ ना, इतना ज़्यादा भीड़ है, अभी भी भीड़ ख़त्म ही नहीं हुआ है दार्जिलिंग पर। तो आज ना सुबह सुबह धूप आया था, तो मैं जैकेट भी नहीं लेके आई थी, लेकिन अभी यहाँ पर आकर थोड़ा थोड़ा वेदर चेंज हो रहा है, धूप भी चला गया है। लेकिन कोई नहीं, मेरा काम जल्दी से हो गया तो मैं घर भी जल्दी जल्दी जाऊंगी, क्योंकि घर पे भी काम हो रहा है, तो कुछ सामान भी लेके जाना है घर का। तो चलते हैं, अभी जल्दी से मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। यह वो पैसा निकल गया और मेरा पैसा अकाउंट खाली हो गया, देखिएगा। अब ये पैसा मुझे ना देना पड़ेगा, किसी को देना है यह पैसा। फाइनली आज भी जाके मेरा काम ख़त्म हो गया है, और बहुत टाइम लगा ये काम करने के लिए, लेकिन आज थोड़ा तसल्ली मिला, काम हो गया है। फुल नहीं हुआ है, बस 80% हो गया है, 20% अभी भी बाकी है। और जब 80% हो गया, अब जब 20% हो जाएगा, तब मुझे शांति मिलेगा। चलिए अब मैं जा रही हूँ मार्केट की, और यहाँ पे जाम देखिए गाइस, अभी तक जाम ही जाम है। देखिए ना दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, और सुबह इतना भूख लग रहा था ना, खाना भी नहीं खाया था। तो यहीं पे ना मुझे ऑफिस पे ही सर ने सुबह में भी बिस्किट दिया था, और इतना लंबा काम हो गया कि लंच तक 2 बजे तक मुझे यहीं पे रुकना पड़ा ना। सुबह में कितने बजे, 11 बजे पहुंची थी मैं ऑफिस पर, और मुझे इतना भूख लग रहा था, तो उन्होंने बिस्किट दिया सुबह में, और अभी 2 बज गया था तो लंच भी दिया उन्होंने, तो सर को भी थैंक यू। तो अभी जाते हैं मार्केट में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम है। फिर से सुबह ना इतना ठंड लग रहा था, अभी भीड़ बाहर निकली ना, तो देखिए धूप आ रहा है दार्जिलिंग में, फिर से धूप आ रहा है। तो अभी फिर वेदर चेंज हो गया, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया ना, दार्जिलिंग का वेदर ऐसा ही होता है, कभी धूप आता है, कभी ठंड लगता है, और फिर यहाँ पर ट्रेन जा रहा है। यहाँ पर अभी ना ट्रेन इतनी बार इधर उधर करते हैं। अभी दार्जिलिंग में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट है, तो इसकी वजह से ना ट्रेन भी बिजी हो गया है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। देखिए फिर से आ रहा है, सुबह भी इधर आ रहे थे, सुबह उधर जा रहे थे, कभी इधर आ रहा है कभी उधर जा रहा है। देखिए दिन में ना कितनी बार ये इधर उधर करता है। देखिए अब ये ट्रेन थोड़ा लंबा भी हो गया है, अब ये बहुत बार इधर उधर करता ही रहता है, टूरिस्ट ज़्यादा हो गया दार्जिलिंग पर। वाला देखिए इसमें भी होटल है, अभी यहाँ से मैं ना चल के जा रही हूँ, और आज ना आप लोगों को मैं दिखाती जाऊँगी। इस गाड़ी से मुझे बहुत डर लगता है गाइस, देखिए ये गाड़ी बहुत ख़तरनाक है। पहुँच गई स्टेशन पे, और स्टेशन से ना देखिए ऐसा दिख रहा है कुछ, और उधर ना मेरे साथ आज कोई नहीं है, आज भी मैं अकेली हूँ, तो मैं देखती हूँ किसी को फ़ोटो लेने के लिए मैं बोल पाऊँ तो मैं बोलूँगी, अगर लड़की होगा तो मैं बोलूँगी, देखते कोई मिलते हैं तो। यहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगी और फ़ोटो के लिए बोलती हूँ मैं किसी से, लेकिन इधर कुछ कोई दिखा नहीं दे रहा है, यहाँ पे सब लोग बिजी दिख रहा है, यहाँ पे ना सब बिजी है। तो एक बार यहीं पे यहाँ से व्यू देखिए गाइस, देखिए बहुत अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, और मैं एक फ़ोटो लेने के लिए बोलती हूँ किसी को, मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ किसी के लिए। हम गाइस ना मैं किसको बोलूं, यहाँ पे ना देखिए ना कोई आ ही नहीं रहा है, मैं किसी को तो बोलना पड़ेगा फोटो के लिए। एक फोटो ले लूं मैं, उधर बैठ के सोच रही हूँ, देखती हूँ एक बार।
अकेले होते हैं ना तो यही प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे मैं ना वेट कर रही हूँ कि किसको बोलूँ मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे ढंग का कोई आ ही नहीं रहा है कि जो फ़ोटो खींच सके मेरा। किसी के हाथ में सामान होता है, कोई बिजी होता है फ़ोन पे, तो उसको लोगों को बोल नहीं सकती। देख यहाँ पे ना किसी को मैं बोलूँ तो, जब भी हम लोग अकेले आते हैं ना तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए कोई नहीं होता। पहले मैंने फ़ोटो भी खिंचवा लिया, कोई आ रही थी तो मैंने एक लड़की से पूछा फ़ोटो के लिए, तो उन्होंने मेरा फ़ोटो ले लिया। तो अभी मेरा फ़ोटो भी हो गया, तो मैं अभी जा रही हूँ फिर मार्केट की ओर। इनका कैपिटल और सो गाइस, आज ना मैं फिर से जा रही हूँ चौरस्ता, और यहाँ पे भी भीड़ ही है। और ना चौरस्ता में जाके एक कोना पकड़ कर वहाँ से ना मैं आज वीडियो अपलोड करूँगी, और थोड़ी देर बैठ कर रिलैक्स होकर फिर घर जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। चौरस्ते में भीड़ होगा शायद, बेंच भी नहीं मिलता है बैठने के लिए। देखते हैं, अकेले होने का फ़ायदा वही होता है कि एडजस्ट हो जाता है। तो एक कोना पकड़ते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। सो गाइस, पहुँच गए चौरस्ता, अब एक कोना देखते हैं और पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, देखो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, लेकिन आज धूप का कोई टेंशन नहीं है। और ये स्क्रीन पे क्या चल रहा है, एक कौन सा कोना पकड़ूं? हर जगह लोग हैं इस टाइम पे ना, यहाँ पे बहुत भीड़ होता है। तो मुझे लग रहा है उधर साइड कुछ खाली खाली सा बेंच से, चलते हैं उधर साइड। और उधर से ही वीडियोस अपलोड करना है मुझे। और यहाँ पे बर्फी चल रहा है, मूवी सॉन्ग। हाँ, उधर बेंच खाली है, मैं उधर बैठ जाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, और मुझे ना मार्केट में कुछ काम भी है और घर का सामान लेना है। तो गाड़ी भी आ गया है, तो मैं कुछ सामान जल्दी से खरीद लेती हूँ और उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि आज मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है। सुबह से ना कितना ज़्यादा काम था, और अभी ना कितने बज गया, अभी 3 बज गया है, और घर जाने के लिए भी टाइम लगता है। तो गाड़ी भी आ गया, सामान जल्दी से खरीद लेते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी घर जा कर रेस्ट करना है। तो चलिए अभी चलते हैं। ये वाला चर्च है दार्जिलिंग का, बहुत पुराना चर्च है और बहुत ब्यूटीफुल भी है। देखिए ये वाला चर्च अच्छा लग रहा है ना। शांति हो जाएगी आज, मेरा भाभी के देखने शांति हो गई।